हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 20.44 के आसपास काम करता हुआ दिख रहा है और इंट्राडे 8.15% का गेन देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली उसका इंपैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी देखने को हमें मिला एंड दोनों काफ़ी अच्छी गिरावट के साथ में क्लोज किए। निफ्टी 300 पॉइंट्स की फॉल के साथ में और बैंक निफ्टी लगभग 800 फॉल के साथ में क्लोज होता हुआ नजर आया। निफ्टी 17,200 के मार्जिनली ऊपर 13 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी 38,000 के मार्जिनली नीचे काम करता हुआ दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिल रही है, निफ्टी दिन के दौरान थोड़ा सा, निफ्टी फ्यूचर जो है दिन के दौरान थोड़ा सा डिस्काउंट में काम कर रहा था एंड एट पार क्लोज हुआ है। सो वेन एवर वी गेट निफ्टी एट डिस्काउंट, देर आर चांसेस दैट बायर्स अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ और बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। 17,200-150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम चार्ट के ऊपर में। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी भी 37,995 यानी 38,000 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे 125 पॉइंट्स अप नैसडेक काम कर रहा है, यानी लगभग SGX निफ्टी 9 पॉइंट्स अप काम करते हुए दिख रहा है। कल के दिन में क्या होगा उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एंड एट द सेम टाइम फॉल होने के पीछे जो रीज़न है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे आने वाले मिनटों में, इसे हम समझेंगे। हमने दिन के दौरान कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था, वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच फॉल, सो 17,500 का कॉल ऑप्शन हमने बाई किया था। 107-110 रुपए के आसपास की बाइंग रेंज थी, स्टॉप लॉस 81 के आसपास था और टारगेट 140-170 प्लस के आसपास में था। डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस जो हमने रखा हुआ था 17,380 की, अगर 17,380 के नीचे चला जाए तो स्कोर ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि बड़े मूव आ सकते हैं। नाउ इफ यू कैन लुक दिस, यू कैन लुक लुक एट दिस, निफ्टी कंसोलिडेटिंग नियर 17,400, सो एक्सपेक्ट बिग मूव नियर टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड सेम थिंग हैपन एक्चुअली, मार्केट फेल डाउन, अच्छा खासा मार्केट के अंदर में गिरावट देखने को मिला। सो सिंस हम आज कॉल साइड में थे तो 107 के आसपास की बाइंग एंड 81 का स्टॉप लॉस था, लेकिन 17,380 के आसपास हमने स्टॉप लॉस रखा था, 79 के आसपास में उसे हमने स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 2,800 का हमने यहाँ पे लॉस बुक किया। सिंस 11,000 के अंडर था, नीचे था, इसके लिए हमने दो लॉट के अंदर में यहाँ पे बाइंग की हुई थी। सो फरवरी मंथ अभी तक सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज की प्रॉफिट हुई है, तीन ट्रेड फरवरी मंथ के अंदर में लिया हुआ है हमने, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ 700 रुपीज का प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये सारे ट्रेड्स आपको आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smartinvestclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने ट्रेड शेयर किए हैं लगभग 73.61% के सक्सेस रेशियो के साथ में शेयर किए गए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे। आज का फॉल हद से ज़्यादा हुआ, अनएक्सपेक्टेड था। क्या ये फॉल कल के दिन में कंटिन्यू हो सकता है या किन लेवल्स पे हम नजर रखें, इन सब चीज़ों को समझेंगे चार्ट के ऊपर। निफ्टी से शुरुआत करेंगे। निफ्टी के अंदर में आज जो कैंडल बनता हुआ दिखा हुआ, जबरदस्त फॉल वहाँ पे, लगभग 17,550 से 17,150 यानी 400 पॉइंट का फॉल इंट्राडे देखने को मिला हुआ निफ्टी के अंदर में और ये बड़ी कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, जो कि एक निगेटिव साइन है। लोअर लो, लोअर हाई पैटर्न कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, बट एक प्लस पॉइंट जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है और इसके बारे में हमने बार बार डिस्कस भी किया हुआ है कि ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर में ही निफ्टी फिलहाल काम कर रहा है और इस रेंज के अंदर में आप आइदर साइड मूवमेंट देने के लिए तैयारी रखते हो। उस रेंज के लोअर एंड पे हैं हम, 17,150 दिन के दौरान हमने टच किया, वहाँ से लगभग 50 पॉइंट्स ऊपर ही हमने क्लोज किया हुआ है। नाउ अगर अभी 17,278 के ऊपर कल दिन के दौरान 10:30, 11 o'clock के आसपास में काम करते हुए नज़र आए तो चांसेस हैं कि आपको एक रिकवरी देखने को मिले, जो कि वहाँ से लगभग 150 पॉइंट ऊपर लेके जा सकती है। इन केस अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है और कल के दिन में भी हम लोअर लो बनाते हुए नज़र आते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम 17,000 तक पहुँचते हुए नज़र आएंगे। निफ्टी थोड़ा वीक क्लोजिंग दे रहा है और उसका क्लोजिंग देने का रीज़न आप समझिए, जो 50 डेज मूविंग एवरेजेस है उसको तोड़ दिया है आज हमने, निफ्टी ने तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग दी है। 20 और 100 की बात ही नहीं करनी है क्योंकि उसके नीचे हम ऑलरेडी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एक वीक क्लोजिंग निफ्टी की तरफ से ये क्लियर कट देखते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। क्या करना चाहिए, बाय और सेल क्या करें इसके अंदर में? सो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे नज़र डालना पड़ेगा और एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो जो पैटर्न बनाते हुए नज़र आए या जो
आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कल अगर आपको डिप देखने को मिला किसी रीजन की वजह से, थोड़ा सा नीचे अगर मार्केट खुलता है और 17,000 के आसपास में मिलता है, तो एक बार लॉन्ग क्रिएट किया जा सकता है। 17,000 के आसपास में एक बार लॉन्ग क्रिएट किया जा सकता है। क्या खरीद सकते हैं? 17,000 का कॉल ऑप्शन बाय करके काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 16,950 का। रीजन, अगर ये तोड़ता है तो वहाँ से लगभग 200 पॉइंट और गिरने के चांसेस बनते हैं, और ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो 17,100 का एक टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं। शॉर्ट करना है क्या? डेफिनेटली इसे शॉर्ट करना है। अगर निफ्टी 17,150 के नीचे काम करना चालू करता है तो आप इमीडिएटली जो 17,150 का ऑप्शन है उसके आसपास में पी लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 17,200 के आसपास का, और नीचे की तरफ जो टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है वो 17,050 एंड 17,000 के टारगेट के लिए हम काम कर सकते हैं। ये थोड़ा अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आपके लिए सही होगा, अगर रिस्की ट्रेडर हैं नहीं है तो नहीं ये इनिशिएट करिए। दूसरा, मान के चलिए ग्लोबल मार्केट नैसडेक अच्छा काम कर रहा है, फिलहाल ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहता है, कल के दिन मॉर्निंग में निकी भी अच्छा काम करते हुए नजर आया और हम 17,278 के ऊपर काम करते हुए नजर आए थे, 17,275 के ऊपर काम करते हुए नजर आते हैं। सो इन दैट केस 17,300 का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस लगेगा लगभग 17,240 के आसपास का, एंड थोड़ा मैंने ये बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखा है, 17,240 का स्टॉप लॉस ना लगाइए। रीज़न क्या है? 17,175 का ही लगाना पड़ेगा। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्योंकि इंडिया विक्स फिलहाल 20 के आसपास काम कर रहा है, तो इतना वोलेटिलिटी तो एक दो मिनट में भी आ सकती है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग होते हुए नजर आएगा। सो 100 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो 17,400 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। ये पर्टिकुलर ट्रेड और ये पर्टिकुलर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर में भी बड़ा कैंडल बनता हुआ नजर आया, 38,861 को एक बार तोड़ते हुए दिखे तो थे, टूटा नहीं, पर नीचे की तरफ जो सपोर्ट लिया वो 38,000 के आसपास, लेट से 37,950 के आसपास आया, 37,800 से थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला हुआ है। क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर में? बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रांग फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि अगर आप इसमें 20 डेज का मूविंग एवरेज देखेंगे तो उसके नीचे आज हमने क्लोजिंग दी हुई है, 50 डेज की काफ़ी ऊपर काम कर रहे हैं, इवन 100 डेज के भी नज़दीक में काम करते हुए नजर आ रहा है। सो जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास में आना चाहिए, जो 17,733 एज ऑफ नाउ उसके आसपास में नजर आ रहा है। कल अगर 37,700 को अगर हम तोड़ते हुए नजर आते हैं सो एक प्रॉब्लमेटिक होगा, वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक मानी जानी चाहिए 37,700। दो रीज़न, पहला आज के दिन के दौरान जो हमने लो बनाया हुआ है वो लो है 37,800 का, यानी जैसे हम 37,700 के नीचे काम करना चालू करेंगे हम एक लोअर लो पैटर्न बनाने की तैयारी में हो जाएंगे। सेकंड चीज, 37,628 के आसपास में बढ़िया सपोर्ट है, 600 के आसपास में बढ़िया सपोर्ट है, सो अगर इन लेवल्स के आसपास में मिलता है तो बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। लेट मी फर्स्ट ओपन दी चार्ट प्रॉपरली, आई मिस्ड इट। ओके, सो अगर इस लेवल के आसपास में 37,600 के आसपास में मिलता है तो एक बार लॉन्ग क्रिएट करिए, विदाउट फेल एक बार लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। ये बहुत ही नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है, लेकिन इन लेवल्स पे क्यों लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए? क्योंकि वहाँ से हमने दो चार बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो चांसेस बनते हैं एक बार सपोर्ट लें। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का एक तरीका ये है कि वो जब भी अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में है तो एक ट्रेड इनिशिएट करिए। सो ट्रेड कहाँ इनिशिएट करना है? 37,600 के आसपास में आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, एंड 37,600 का ही कॉल ऑप्शन लीजिए, क्योंकि 37,500 का कॉल ऑप्शन थोड़ा महंगा मिलेगा इन द मनी होने की वजह से। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा, और वो 37,450 के आसपास, लगभग 150 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, 150 पॉइंट है। ऊपर की तरफ आपके लिए टारगेट 37,800 इंट्राडे के लिए बनते हुए नजर आ सकते हैं कल, इन केस अगर ये लेवल देखने को मिला, इन केस अगर आपको पॉजिटिव देखने को मिला, लेट्स से पॉजिटिव लेवल्स देखने को मिले और कल हमने गैप अप ओपनिंग दे दी 38,357-350 के आसपास में, तो भी एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 38,500 का कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस क्या लगेगा आपका?
स्टॉप लॉस लगेगा 38,150 के आसपास में। ये लेना कब है आपको? ये लेना है आपको जब मार्केट 38,350 के आसपास में हो, तो 38,150 का स्टॉप लॉस लगा के 38,500 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, और आपका जो टारगेट बनेगा वो 38,800 का बनेगा। इसके अंदर इंट्राडे एक बार ये पोजीशन बन सकती है। सेलिंग कहाँ करनी है? 38,800 से 39,200 के बीच में सोचेंगे कहाँ हमें पुट बाय करना है। एक रीज़न, आज मार्केट फॉल हुआ, मार्केट फॉल होने के बाद में बहुत लोगों की तरफ से जजमेंट आया कि अरे FIA का सेल कंटिन्यू, FIA कंटिन्यू सेल कर रहा है, जिसके चलते हुए देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप FIA का पोजीशन आज के दिन में देखेंगे, यानी FIA की एक्टिविटी पर अगर नजर डालेंगे, तो FIA ने लगभग 1157 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन DIA ने 1376 करोड़ की बिकवाली की है। 1157 बहुत बड़ा फिगर नहीं है। अगर यहाँ पर यही 700-600 करोड़ की बाइंग होती थी, तो डेफिनेटली ये काफी अच्छे नंबर, इतना फॉल नहीं होता था आई मीन उसे। लेकिन सिंस आज चौतरफा बिकवाली थी, DIA भी बेचते हुए नजर आया, FIA भी बेचते हुए नजर आया, जिसके चलते हुए फॉल देखने को मिला। रोज ऐसे कंडीशंस नहीं होते हैं, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल के दिन में एक पॉजिटिव मूवमेंट आना चाहिए मार्केट के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट।